हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीवो का एक अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V27 के बारे में। वीवो का इस सीरीज में चार फोन देखने के लिए मिलेगा। इसमें ना एक 4G मॉडल भी देखने के लिए मिलेगा, V27 4G, और उसके बाद V27 5G भी मिलेगा, V27 Pro 5G मिलेगा, उसके बाद V27e 5G भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग इस वाले वीडियो में ना केवल V27 5G के बारे में ही बात करेंगे। और इस फोन का गीग बेंच स्कोर भी आ चुका है, जिससे फोन के बारे में कुछ कुछ पता चल जाता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे बातें इस फोन के बारे में नहीं पता है। सिंगल कोर में 845 स्कोर कर रहा है और मल्टी कोर में 2217। गीग बेंच से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि यह फोन एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा और 12 GB का रैम भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गीग बेंच से पूरी तरह से ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें आपको कौन सा प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांस है इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर ही देखने के लिए मिले। और काफी सारे लोगों का कहना है कि जो कुछ समय पहले चाइना में S15 लॉन्च हुआ था ना वीवो का ही, उसी के जैसा ही यह फोन होगा, लेकिन पूरी तरह से ये भी कंफर्म नहीं है। वीवो का यह जो सीरीज़ है ना, वो परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता। कहने का मतलब है कि यह फ़ोन आपको थोड़ा सा महंगा देखने के लिए मिलता है अगर आप किसी दूसरे फ़ोन से अगर कंपेयर करोगे तो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको कैमरा काफ़ी अच्छा मिल जाता है और इसका जो डिज़ाइन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है वो भी आपको काफ़ी सॉलिड, काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है इसमें किस तरह का स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर यह फोन वीवो का ही S16 की तरह होगा तो इसमें कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 6.78 इंच का Full HD+ एक कर्व OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। ये एक 10 बिट का डिस्प्ले होगा और 1300 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी, मतलब डिस्प्ले काफी अच्छा होगा। S16 में तो Snapdragon 870 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिला था, लेकिन इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें से शायद से 8200 वाला प्रोसेसर हो सकता है, जो कि काफी हद तक एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर ही है। लेकिन पता नहीं यार, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है अब कौन सा प्रोसेसर के साथ आएगा, ये तो तभी हम लोग बता सकते हैं। 4600 mAh की बैटरी और 66 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ये मिल सकता है। 50 MP OIS के साथ सोनी का कैमरा मिल सकता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का माइक्रो भी मिल सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका सेल्फी काफी अच्छा होता है, तो 50 MP का ही आपको सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है। और इस फोन का जो फोटोज होगा, वीडियोस होगा, वो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। जनरली वीवो का फोटोज़ और वीडियोस काफ़ी अच्छा ही होता है, और जिस कैमरा से अभी शूट हो रहा है वो भी वीवो का ही फ़ोन है S1 Pro, उसमें से भी फोटो वीडियो क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हो कितना अच्छा आता है। यह फोन आपको इंडिया में भी जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, और इसका प्राइस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ये Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर के साथ आता है तो काफ़ी ज़्यादा महंगा इस फोन का प्राइस होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो मिलते हैं सभी को। बाय।